नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद PCS पे। देखिए, आज के हम इस डिस्कशन को पूरे तरीके से UPSC AE के बच्चों के लिए पूरे तरीके से इसको हम रखेंगे। इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स UPSC AE के बच्चों की आ रही है कि वैकेंसी कब आएगी, कब इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है, किस वजह से डिले हो रहा है, और अगर एग्ज़ाम इस साल अगर इफ इन केस नहीं हो पाता तो फिर हम किन एग्ज़ाम्स पर टारगेट करें। देखिए, एग्जाम्स के होने के चांसेस तो जिस हिसाब से अभी तक आयोग के अंदर पता चल पा रहा था कि अप्रैल से मई के एंड तक इसकी वैकेंसीज आ सकती हैं 350+ सीट्स पे, लेकिन इस समय आयोग के अंदर मतलब AE से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फिलहाल अभी नहीं मिल पा रही है। चाहे बच्चे RTI कर रहे हैं उसमें भी नहीं मिल पा रही है, या फिर आयोग अपनी तरफ से कोई नोटिस जारी करके कुछ बता भी नहीं रहा है कि हाँ किन कारणों से हम इसके एग्जाम को फिलहाल भी नहीं करा पा रहे हैं। सबसे जो इसमें बड़ा जो प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि एग्जाम ना हो पाने का, कि जो पैटर्न है UPSC AE का उसको चेंजमेंट की बात चल रही है। अब इस चीज़ को इतनी बार डिस्कस कर लिया गया है कि इसको बोलने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ जो यही एक ओनली जो रीज़न है कि इसका पैटर्न को चेंजमेंट की बात चल रही है। दूसरी चीज़, आयोग पूरे तरीके से इस चीज़ में लगा हुआ है कि कैसे हम जितने पेपर लीक कर रहे थे लोग, उन लोग किस तरीके से डिसमेंटल किया जाए ताकि आयोग का जो भी प्रोसेस जो पूरे तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पाए, उस चीज़ में भी आयोग क्या है सबसे ज़्यादा बिजी है। तो इस समय हम बस ये बात करेंगे कि UPSC AE के बच्चे क्या करें जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए आज मतलब क्या कोर सॉल्यूशन हो सकता है इस साल के लिए, वो अलग अलग और कौन से एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं अपने UPSC AE के साथ साथ में। तो आज के इस वीडियो को उसी पर डिस्कस करते हैं, और वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, UPSC में जो सबसे जो बड़ा दिक्कत क्या आ रहा था, पैटर्न के प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके, कि वो लोग क्या चाह रहे हैं कि वो लोग उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इस एग्जाम का पैटर्न क्या है इसको आप समझिए। देखिए, इसमें स्टेज वन में दो इसके एग्जाम होते हैं, ठीक है, पेपर वन मान लीजिए, पेपर टू मान लीजिए। ठीक है, जिसमें इसके पेपर वन में GS और टेक्निकल वाला सब्जेक्ट आता है, और पेपर टू में क्या आता है, हिंदी और फिर इसमें टेक्निकल टू वाला पेपर होता है। ठीक, तो जो GS के पेपर होते हैं इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी वाले में भी कितने होते हैं, 25 क्वेश्चन। ठीक, तो ये कितने नंबर का टोटल हो जाते हैं, ये आपके हो जाएंगे 75 नंबर का GS और 75 नंबर क्या हो जाएगी आपकी हिंदी। फिर यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे टेक्निकल के, और यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इसका टेक्निकल के, तो ये टोटल आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 300 के, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 300। तो पेपर वन टू टोटल सम अप करके 375+375, ठीक है, तो 300 300 हो गया 600, 75 75 150 आपका हो गया 750 नंबर का। तो ये स्टेज आपका होता था, स्टेज वन होता था 750 मार्क्स का, और इसके बाद आपका क्या अप्लाई हो जाता था, इंटरव्यू का एग्जाम। ठीक, तो ये पूरा पैटर्न था UPSC AE के स्टेज वन का और स्टेज टू का। इसी के बाद क्या होता था, आप लोग का इंटरव्यू हो जाता, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाता था। ठीक, अब जो कोई भी कैंडिडेट मान के चलिए कि अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, किसी के कट ऑफ 400+ जा रहा है, किसी का 420+ जा रहा है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से कट ऑफ जाते थे। अब देखिए इसमें क्या वो चाह रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि स्टेज वन में थोड़ा सा हम लोग मार्क्स को कम करके, या फिर थोड़ा सा सब्जेक्ट को कंटेंट को कम करके, इसके बाद हम लोग मेंस के पेपर को इंट्रोड्यूस करें, और फिर उस मेंस के एग्जाम के बाद हम लोग डिसाइड करें कि किस बच्चों का इंटरव्यू लेना है, किन का इंटरव्यू नहीं लेना। जो कुछ भी एलिजिबल होगा मेंस के एग्जाम के बाद, वो लोग एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, और जो लोग नहीं होंगे उन लोगों को क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। तो जब तक ये लोग प्रॉपर ये पैटर्न को लोग नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे, तब तक क्या होगा कि इसमें वैकेंसी के इसके आने की जो चांसेस रहेंगी, इस तरीके से क्या होती रहेंगी, डिले होती रहेंगी। हालांकि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, आयोग को खुद आकर के सामने बता देना चाहिए कि हाँ हम इस एग्जाम को इस समय कराएंगे, फिलहाल जो दिक्कतें चल रही है ये दिक्कतें हैं, अगर हमको चेंज करना है तो ये पैटर्न रहेगा, नहीं अगर चेंज करना तो कम से कम जो ट्रेडिशनल जो पैटर्न चल रहा है, मतलब कुछ ये वाला पैटर्न चल रहा है, इस पर भी आप एग्जाम को क्या कर सकते हो, कंडक्ट करा सकते हो। लेकिन अब उस चीज में आयोग को इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा, खुद आपने आकर के सामने बता ही नहीं रहा है, जबकि इसी आयोग से ये बात ही पता चल रही थी कि अप्रैल के एंड तक या फिर मई की स्टार्टिंग में 350+ सीट्स पर इसकी वैकेंसी आनी है। अब उन्हीं सोर्सेस से अब दोबारा मतलब किसी तरीके से कॉन्टेक्ट करने पर लोग कह रहे हैं कि यार अभी इस समय कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, UPSC AE की जो न्यूज है थोड़ी तरीके से नीचे दब चुकी है, उसमें समझ में नहीं आ रहा कि उसमें क्या करना है, आयोग उस चीज के ऊपर भी पूरे तरीके से डिसाइड कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ ये पूरा कंफर्म है कि इसके पैटर्न को चेंज करना है, जब पैटर्न चेंज होगा उसके बाद ही वैकेंसी उसमें आएगी, यहां तक की बातें क्या चल रही पता चल पा रही है। उसके बाद देखिए, जितने भी बच्चे कुछ RTI किए थे, यहाँ तक कि हम लोग ने भी RTI फाइल किया है, लेकिन अभी तक फिलहाल हम अप्रॉक्स 2 हफ्ते के आसपास हो गए, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया। कुछ बच्चे 1 आध महीने पहले ही किए थे, उन लोग के भी RTI का कोई इन्फॉर्मेशन इसमें आयोग की तरफ से नहीं दिया गया, जो कि एक ये बहुत ही खराब चीज़ है आयोग की तरफ से। आयोग को किसी भी तरीके का RTI का तुरंत उन लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, पेपर कंडक्ट कराना है वो भी बताओ, पेपर नहीं कंडक्ट कराना है वो भी बताओ, क्या रीज़न है उसको बता करके, और आप लोग क्यों नहीं करा रहे वो, और क्यों जब कराओगे तो कब कराओगे वो, मतलब सब कुछ हम लोग क्लियर रखना। इसीलिए तो RTI का इंट्रोडक्शन किया गया था ना, कि आप किसी भी तरीके की सूचना किसी भी जगह से किसी भी डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में के रिस्पॉन्स में आयोग का क्या है, 0 आंसर आया, कोई भी उसका आंसर नहीं आया। इसके बाद
खुद से भी कोई नोटिस नहीं बाहर निकाल रहे, नो नोटिस रिगार्डिंग एई कि चलो ठीक है भैया आरटीआई का भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो कम से कम खुद से तो आप उस चीज को फील करके उसको बाहर तो कम से कम निकाल दो ना कि किन रीजनों से हम पेपर को नहीं कनेक्ट करा पा रहे हैं। क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, खासकर यूपीपीएससी एई वाले। कई बच्चों को ये भी कहना है कि यूपीपी कांस्टेबल हो गया, आरओ हो गया, पीसीएस भी लगभग लगभग हो ही जाने वाला था, ठीक है। फिर उसी तरीके से कुछ पैटर्न प्रॉब्लम चल रही थी यूपीपीएससी एग्रीकल्चरल सर्विसेज में, तो बच्चों का कहना है कि उसको भी पैटर्न को ठीक करके या फिर जैसे भी तरीके से उसका लिया जा रहा है एग्रीकल्चरल सर्विसेज का, उसके एग्जाम्स का डेट भी आ गया, फॉर्म भी भर गया, लेकिन यूपीपीएससी यही के ऊपर आयोग अभी तक पूरे तरीके से क्या है, शांत है, मौन है, ठीक। अब देखिए कि इसमें एस्पिरेंट्स को करना क्या चाहिए, व्हाट एस्पिरेंट्स शुड डू। अब देखिए भाई, अब चूंकि अब आप लोग का चूंकि जो एग्जाम टारगेटेड है यूपीपीएससी यही है, तो इसमें आप लोग एक चीज तो समझ ही रहे हो, आप लोग के पास तो कम से कम बीटेक की डिग्री है ही, तो आप लोग एक अच्छे खासे ग्रेजुएट हो, बीटेक के आप लोग पास डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है, आप लोग आराम से किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अब चूंकि इसमें पोर्शन जीएस वाला था, अभी ये भी नहीं था कि कुछ आप लोग अलग से पढ़ना था जीएस में लेकर के, तो चूंकि अब आप लोग का जीएस वाला पोर्शन था, आप लोग का थोड़ा मोड़ा जीएस तो मजबूत होता है, कम से कम 75 नंबर वहां पे जीएस आ रहा है, हिंदी भी आप लोग को 75 नंबर का आ रहा है, मतलब कि जीएस और हिंदी आप लोग का 150 नंबर का आ रहा है 750 नंबर में से, ठीक है। 750 में से 150 नंबर किसका आ रहा है आप लोग का, सिर्फ जीएस और हिंदी का। तो अब आप लोग को क्या करना चाहिए कि कुछ एग्जाम्स हैं जो कि आप लोग फिलहाल उसको टारगेट कर सकते हो। अब जब आप लोग यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो देखिए आप लोग का जो कोर जो प्रिपरेशन होता है उससे हर आदमी का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। जैसे अब बीटेक वाले लड़के हैं उनका एई से या फिर जेई से, या फिर जो लोग पॉलिटेक्निक किए हुए उन लोग का जेई से, और जो लोग बीटेक किए होते हैं उन लोग का एई से, या फिर यूपीपीएससी में आईईएस से, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इन सारे एग्जाम से एक इमोशनल कनेक्टमेंट होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि ठीक है यार अपना वाला जो फॉर्म है वो जब आएगा तो उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे, तो वो लोग उस फील्ड में जा करके अच्छा करते हैं, और उसके कंपैरिजन में पीसीएस और आरएआर में वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा कम फोकस करते हैं कि इसमें जीएस का सब्जेक्ट सिलेबस बहुत ज्यादा है। जबकि आप लोग एक बात इस चीज को समझ लेना चाहिए कि इस समय जो कोई भी एग्जाम हो रहा है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है चाहे वो स्टेट पीसीएस का है, ठीक है, मैक्सिमम जो भी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं वो लोग किस बैकग्राउंड से रह रहे हैं, बीटेक के बैकग्राउंड से रह रहे हैं, इंजीनियर रह रहे हैं, ठीक। तो मैक्सिमम क्या देखा जा रहा है कि यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, यूपी का हो या फिर अदर किसी स्टेट का हो, सबसे ज्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट कौन हो रहे हैं, बीटेक वाले। तो फिलहाल जब तक एई के ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रहा है तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए कुछ तो एग्जाम भाई फिक्स है ना कि वो सब एग्जाम होने वाले ही हैं, जैसे कि आपका आरओ यारओ का एग्जाम होगा, उम्मीद है कि सभी लोग मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भरे होंगे जो लोग बीटेक किए हुए हैं, क्योंकि बीटेक क्या है ग्रेजुएशन की डिग्री, तो एक थोड़ी सी टेक्निकल डिग्री हो जाती है। आप लोग आरओ यारओ पर टारगेट करिए, इसके साथ साथ यूपीपीएससी पीसीएस पर टारगेट करिए, यूपीपीसीएस पे ये भी एक शानदार एग्जाम है, शानदार पोस्ट है, यूपी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, यूपीपीएससी में पीसीएस की, एसडीएम की, ठीक। तो अच्छा दोनों के हैं 5400 पे स्केल के दोनों जॉब है, चाहे यूपीपीएससी ए ही हो चाहे यूपीपीसीएस हो, दोनों के क्या है 5400 ग्रेड पे के जॉब है, ठीक। इसके बाद आप टारगेट कर सकते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीएस का, एपीएस का, उसके साथ साथ किसका, आरओ का और एआरओ का, ये जितने भी एग्जाम्स हैं ये सब इसी साल होंगे 2024 के एंड तक, आप लोग इन सारे एग्जाम्स को आप लोग होते देखेंगे, चाहे आरओ यारओ हो, यूपीपीएससीएस हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएस एपीएस, या फिर आरओ यारओ हो। इसके साथ साथ मैक्सिमम लोगों ने क्या भर रखा होगा, जो कि एग्जाम कब है 16 जून को यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी मतलब किसका, आईएएस का। तो चूंकि जब आई आप लोग का ये एई का एग्जाम नहीं हो पा रहा है फिलहाल, तो आप लोग उस एक एग्जाम के चक्कर में आप लोग इतने सारे एग्जाम को टारगेट को मत छोड़िए, उसकी जब वैकेंसी आनी होगी वो आ जाएगी, जिस समय भी आना होगा, जो भी उसके अंदर चेंजमेंट चल रहा है, जो भी अमेंडमेंट चल रहा है, उसके बाद तो एग्जाम आना ही है, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तो कम से कम उसके चक्कर में आप लोग निराश होकर के ना करिए कि बाकी सब एग्जाम को भी छोड़ दें। आरओ यारओ को ऊपर टारगेट करिए, यूपीपीसीएस को ऊपर टारगेट करिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएस एपीएस और आरओ यारओ की होने वाली उसमें टारगेट कर सकते हैं, और 16 जून का यूपीएससी है आईएएस का एग्जाम, उसके लिए भी टारगेट करिए। तो चूंकि अब यूपीएससी और आईएएस का एग्जाम है तो इसमें क्या है, अब इसमें ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अप्रैल अपना खत्म ही हो गया लगभग लगभग, 1 मई बचा और फिर 15 दिन के बाद तो उसमें है ही, तो अप्रॉक्स 30-40 दिन के आसपास बचे हुए हैं आईएएस एग्जाम के, और जब वो खत्म हो जाएगा जून में तो जुलाई अगस्त छोड़ करके आप लोग मानकर चलिए कि अभी तो फिलहाल तो अभी कैलेंडर नहीं रिलीज हुआ है, तो उसके हिसाब से तो पीसीएस का एग्जाम जुलाई में ही हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसकी पूरे तरीके से हाइप बन चुकी है कि एग्जाम क्या हो रहा है पोस्टपोन्ड होकर के अक्टूबर में या फिर सितंबर एंड में जाने वाला है, तो आप लोग को उसके लिए भी एक अच्छा खासा समय मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग भी बीटेक के साथ साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इस समय नेट जेआरएफ का फॉर्म आया हुआ है, वो लोग नेट जेआरएफ के फॉर्म को भी अप्लाई कर दे, ताकि वहां से अगर उन लोग को रिसर्च वाले लाइन में जाना हो तो वो चीज को भी वो लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे वो एग्जाम से जिसको कि आप लोग बीटेक की डिग्री आप लोग के पास है, इन सारे एग्जाम को आराम से टारगेट कर सकते हैं,
और उस यूपीपीएससी एई एग्जाम के एक एग्जाम के चक्कर में आप लोग इतने सारे एग्जाम्स को, इतने सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मत छोड़िए। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस के अंदर भी 750+ वैकेंसीज हैं, तो वो भी एक गोल्डन चांस है आप लोग को किस चीज में आने का, आयोग के अंदर आने का और स्टेट के लिए काम करने का। ठीक, तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना आप लोग को। जीएस का आप लोग थोड़ा मोड़ा आप लोग पढ़ते ही हैं, उसको थोड़ा सा और इन्हांस करके और उस चीज को क्या करना, अच्छे से उसको तैयार करके और सारे इन एग्जाम्स को देना है। ये नहीं सोचना है कि टेक्निकल डिग्री है तो हमको फिर से कहाँ से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े। तो आप लोग अभी हमने तुरंत स्टेट बताया था कि यूपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सबसे ज्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो कौन है, बीटेक वाले बच्चे हैं सबसे ज्यादा क्या हो रहे, सेलेक्टेड हो रहे हैं वो। ठीक, तो उसके बाद अगर अब हमें इसी एग्जाम से रिलेटेड, यूपीपीएससी यही से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोग को सूचना दे दी जाएगा, चाहे कम्युनिटी में पोस्ट डाल दिया जाएगा, वीडियो बना दिया जाएगा, फिर शॉर्ट बना दिया जाएगा। ठीक, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरीके किसी को भी कोई परेशानी नहीं लेनी है, जो एग्जाम्स नहीं हो पा रहे उनको छोड़िए, जो एग्जाम्स आगे आप लोग लाइन में लगे हुए उनको अच्छे से टारगेट करिए, उनको अच्छे से एग्जाम को दीजिए। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।